Hey guys, welcome back to the channel, दोस्तों. So, दोस्तों ये मेरा सेकेंड ट्रैक है ये साल का और आज हम जा रहे हैं हरियरगढ़ और मेरे साथ है बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं और ये है एक मेरा दोस्त राहुल और ये पीछे दो लोग आ रहे हैं दौड़ते दौड़ते नहीं बोलो किए पे वो पीछे जल्दी आओ यो ब्रो सो दोस्तों एक्चुअली हम ग्रुप में जा रहे हैं हरियर फूड के लिए और जो मेरा पिकअप टाइम था वो 10 बजे था 10 PM को सैटरडे को अठाने से बट ड्यू टू ट्रैफिक थोड़ा लेट हो गया मेरे को पिकअप करने में और ये लोग 12 बजे मुझे पिकअप किया और 12 बजे हम ठाणे से निकले और हमें यहाँ पे पहुँचते करीबन 5:30-6 बज गया था और बेस गांव जहाँ से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करना था वहाँ पहुँचते हमें 6:30 बज गया था और 6:30 बजे हम पहुँचे फिर वहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी किया और नाश्ता करने के बाद हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया 7 बजे और हमें पता था हम थोड़ा लेट हो गए हैं सो चलिए आपको दिखाते हैं. तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं लेट होने की वजह से आप देख रहे हैं कितना क्राउड हो गया है और आज वीकेंड है इसके वजह से ज़्यादा क्राउड दिख रहा है और लेट होने का एक्चुअली वजह सिर्फ लेट निकलना नहीं था. हम रास्ते पे थोड़ा भटक गए थे क्योंकि रात का रास्ता था और जंगल का रास्ता था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बट फाइनली हम रीच हो गए हैं. तो दोस्तों एक्चुअली बेस गाँव आने के लिए हमको काफ़ी टाइम लगा तो 7-8 घंटे लगे क्योंकि हम रास्ते भटक गए थे. सो बेस गाँव आने के बाद थोड़ा नाश्ता वास्ता किया हमने और अब हमारा एक्चुअल यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है. चलिए आपको भी दिखाते हैं. वीडियो पे बने रहिए. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना. भगवान की कृपा की है तो भगवान का बोले है ना ठीक है अमृतवाणी हमारे दोस्तों के जरिए धरती के वही है ये हमारे जॉन नाम है मेरा जॉन जो कि जॉन सिन्हा जॉन सिन्हा कभी कभी नसीब से. तो दोस्तों एक्चुअली हम लोग जिस गांव से ट्रैकिंग स्टार्ट किए वो निर्गुरपाड़ा वाला रास्ता है और एक और रास्ता है जो कि हरसेवाड़ी का है और दोनों रास्ते एक जगह पे एक्चुअली जाके मिलते हैं और वहाँ से किले के लिए जाता है. बट अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो या फिर नासिक स्टेशन पे उतर रहे हो वहाँ से आ रहे हो तो आपको हरसेवाड़ी से थोड़ा नज़दीक पड़ेगा ये रास्ता थोड़ा दूर होता है. सो मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा कि दोनों रास्ते कहाँ पे मिलते हैं. सो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए दोस्तों. वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो. हम वहाँ से यहाँ आ गए अब यहाँ से वहाँ जाना है वहाँ से ये लेफ्ट पे दस पाँच होनी वहाँ यहाँ का साथ अरे फुल रही है भोसड़ी का तो वहाँ चले गए सब एडिट कर भी निकालेगा. खाने के लिए नहीं बाबा डरने के लिए देखते ना रहमत ही बख्शा जाएगा उसके लिए. संजय संजय भाई लग रहा पूरा थक गए हैं बैग टांग के क्योंकि इनके बैग में 3-4 लीटर पानी है. ये थोड़ा सा कठिन रास्ता है दोस्तों पर संभाल के आओ. ये हमारे ट्रेवलर गाइड नाम नाम भूल गया था. ट्रेवल बिफोर मानव जी नमस्कार.
बैग शिफ्टिंग हो गया भाई। तो बैग बोला रे, लड़ बोला उसने। नहीं नहीं नहीं, मैं लड़ू। कुणाल गया आगे ना। दोस्तों फाइनली एक घंटा हम लोग ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और काफ़ी लोग थक गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हैं और आगे भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि देख रहे हैं आप, इतना सारा क्लाउड है और एक घंटा हो गया हम लोग को ट्रैवल करते हुए, अभी यहीं तक पहुँचे हम लोग। ये भाई बार बार फोटो निकलवा रहा है, इसके लिए वन टीवी का हार्ड ड्राइव लेना पड़ेगा। और ये राजू है मेरा दोस्त, इसका हाथ पड़ गया, हाथ कंधा थोड़ा मोच आ गया है, बट इसने स्प्रे मारा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरा प्यारा भाई, मेरी सेना है, हम जा रहे किले पे नल बंद करने और नल बंद करके आएंगे, ये वेस्टेज ऑफ वाटर बचाएंगे हम, सेव वाटर सेव लाइफ। तो जैसा आप देख रहे हैं काफी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग और हमारा ये ग्रुप है और आप देख सकते हैं इतना सारा अलग अलग तरह की आवाज निकाल रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं, काफी अच्छा हवा आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हरियर फोर्ट है नासिक से 40 किलोमीटर की दूरी पे है और नासिक महाराष्ट्र का लार्जेस्ट सिटी में से फोर्थ नंबर पे आता है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैकिंग पे आते हैं दोस्तों, वीकेंड के दिन काफ़ी क्राउड होता है बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ की हरियाली काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, आप देख सकते हैं पीछे कितना क्लाउड है और कितना खाई है। देखिए मेरा भाई बोलना चाहता है, बोलो भाई, गूंगा है, चलो भाई। तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे दो रूट मिलता है, एक नीचे का फरसे वाली से आता है हरियाली की, हरियाली और ये हरियर किला, ये जाता है किला की तरफ, और एक रास्ता हम लोग इधर से आए हैं। तो दोस्तों फाइनली ये है वो पॉइंट जहाँ पे हरसेवाड़ी और निर्गुड़पाड़ा दोनों विलेज का रूट आके मिलता है और यहाँ से सीधा किले की तरफ जाता है, और ये जो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं निर्गुड़पाड़ा गांव का रास्ता है, और इसके आपके लेफ्ट साइड में है जो वो हरसेवाड़ी विलेज से रास्ता आता है और इस पॉइंट पर मिलता है। तो आएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं जैसा हम लोग इतना ऊपर आ गए थे और स्टेयर वाला ना 80 डिग्री स्टेयर स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट आ गए हम वहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फाइनली हमने रीच किया है जहाँ से 80 डिग्री स्टेयर स्टार्ट होता है हरियर फोर्ट के टॉप पे जाने के लिए। और मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता दूं दोस्तों, ये जो फोर्ट है 9 से 14वीं सेंचुरीज के बीच में बनाया गया था यादव वंशज राजाओं के समय में, और इसकी जो ऊंचाई है सी लेवल से 3676 फीट है, और इसका यूज़ होता था गोंडा घाट के ट्रेड रूट पे निगरानी करने के लिए। इसका डर था वही हुआ, यहाँ पे इतना क्राउड हो गया है कि ब्लॉकेज हो गया है, आप देख सकते हैं ऊपर वाले ना नीचे उतर पा रहे हैं ना नीचे वाले ऊपर जा पा रहे हैं, पर यहाँ पे कचरे बहुत है दोस्तों। सो आप खाने पीने की चीज़ें कुछ भी लेके आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे मत फेंकिए, अपने साथ ले जाइए, डस्टबिन में डालिए प्लीज़। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्राउड हो गया है, और ये क्राउड वीकेंड के दिन ज़्यादा होता है दोस्तों,
और आज संडे है, हम सैटरडे को निकले थे, संडे को पहुंचे हैं और इतना भीड़ देखने को मिल रहा है। और ज़्यादातर ये बारिश के मौसम में होता है क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल खूबसूरती हरियाली देखने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। और दोस्तों ये हरियर फोर्ट जो मुंबई से लगभग 155 किलोमीटर एंड पुणे से 225 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों फाइनली अब हम नीचे उतर रहे हैं, हमारा ट्रैकिंग हो गया है और मंकीज इतने सारा है और ज़्यादा अटैक होता है मंकीज का यहाँ पे, सो इसके वजह से हम ज़्यादा पिक्चर्स टॉप पे ले नहीं पाते हैं दोस्तों। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर खाने पीने की चीज़ें कोई भी आपके बैग से बाहर दिख रही है तो प्लीज़ उसको अंदर रखो, संभाल के बैग लेके जाओ क्योंकि यहाँ पे मंकीज का ज़्यादा अटैक होता है और आप मारने जाओगे तो और आपके ऊपर वो आएंगे। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। और वहाँ पे इतना ख़तरनाक रास्ता है कि अगर आप फाइट भी करेंगे तो सीधा नीचे आएंगे दोस्तों, सो प्लीज़ इसका ध्यान ज़रूर रखिए। भाई लोग हो गया हमारा ट्रैकिंग, क्या बात है संजय भाई, सही बोल रहे भाई, मजा आ गया ऊपर जाके, काफी मजा आया, बट इतना क्राउड था भाई। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वीकेंड को मत आओ भैया लोग, नहीं तो इतना भीड़ रहेगा कि चांस मिलेगा नहीं, दो दो तीन तीन घंटा नीचे खड़ा रहना पड़ेगा। सो ध्यान रखो, बाकी वीकडेज पे आओ, वीकेंड पे मत आओ। और फिसलन भी बहुत है यहाँ पे, कीचड़ है तो थोड़ा ध्यान देके उतरना पड़ेगा। ये रास्ता काफ़ी डेंजरस है और मैं आपको ये व्यू देखो, क्या कमाल का व्यू है। बारिश के टाइम में ट्रैकिंग का मजा ही अलग होता है। और आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे शॉप मिल जाएंगे रास्ते में जहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो। बट दोस्तों कचरे मत करो, कचरा अपने साथ लेके जाओ, बॉटल वीटल मत फेंको इधर उधर, चिप्स के रैपर मत डालो इधर उधर, लेके जाओ अपने घर पे, है कि नहीं भैया? अच्छा, कचरे उचरे मत करो इधर। हाँ हाँ, थैंक यू।
फाइनली हमने अपना हरियरगढ़ का ट्रैक पूरा कर लिया और हम आ गए हैं वापस बेस गांव में जहां से हमने स्टार्ट किया था। और हम यहां पे आए, हमने कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि हमने दूसरा कपड़ा लेकर आए थे हम, और यहां पे खाना भी ना खाया क्योंकि हम 1000 जो ट्रैवलर्स को दिए थे उसमें खाना और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। सो दोस्तों क्राउड बहुत था क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड के दिन काफ़ी क्राउड होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीकेंड को मत आओ, मंडे टू फ्राइडे आपको अगर टाइम मिलता है तो आप आओ, क्योंकि वीकेंड को बहुत भीड़ था हमने देखा। और इस कंडीशन में एक्सीडेंट होने की चांसेस होते हैं क्योंकि इतने सारे भीड़, अगर एक बंदा गिरता है तो उसके साथ काफ़ी लोग गिर सकते हैं। तो प्लीज, और दूसरी बात, आप वहाँ पे कचरे मत करिए क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे बॉटल्स वगैरह फेंके हुए थे। गंदगी मत करिए दोस्तों क्योंकि ये हमारी विरासत है और हमें इसे पहली बार विजिट किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।